योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और कन्वर्जन्स और कुछ पेयर्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टेस्ट, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद, ये कुछ एक कन्वर्जन्स मेरे पास और थी, फिनोल टू सैलिसिल्डिहाइड। ओके, दिस इज नंबर वन, ये है फिनोल और मुझे फिनोल से बनाना है सैलिसिल्डिहाइड। एग्जैक्टली, दिस इज रीमर-डीमन्स रिएक्शन। समटाइम्स वो डायरेक्ट नहीं पूछेंगे नेम रिएक्शन के अंदर, दे विल आस्क कि इसको इसमें कन्वर्ट कीजिए, ठीक है? तो ये रहा फिनोल, फिनोल के अंदर हम ऐड करते हैं क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो व्हाट हैपेंस, वन मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिमूव्स दिस हाइड्रोजन और ये निकल जाता है यहां से एक एच और एक सी एल, ठीक है, एक एच और एक सी एल, और इधर से सोडियम इसकी जगह ले लेगा, ये बन जाता है ओ एन ए और यहां पे माइनस हो जाता है एन ए सी एल माइनस एच टू ओ और इधर बन गया सी एच सी एल टू क्योंकि क्लोरोफॉर्म का एक सी एल एच के साथ बाहर। ओके, नाउ नेक्स्ट, इस सी एल टू को मुझे हटाना है, आई विल एड टू मोर सोडियम हाइड्रोक्साइड्स, हाइड्रोलिसिस, इधर लग गए दो ओ एच और इधर लग गए दो सोडियम, माइनस अगेन टू एन ए सी एल एंड व्हाट यू विल गेट हियर, ओ एन ए और इधर सी एच के साथ सी एल की जगह लग गए दो ओ एच एंड जब कभी एक कार्बन के साथ दो ओ एच ग्रुप लगे हों, दिस स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल, देयर विल बी रिमूवल ऑफ वाटर और जो यहां वाला बॉन्ड है वो अंदर शिफ्ट हो जाएगा, मींस ये बन जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप, राइट? सेंटर में होगा तो कीटोन, टर्मिनल अगर इधर एच है तो एल्डिहाइड, अगर दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है तो इट विल बी कीटोन, राइट? तो यहां पे अगेन देयर विल बी रिमूवल ऑफ वाटर और ये बन जाएगा ओ एन ए, यहां बन गया सी एच ओ। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस, इधर एच इधर सी एल, अगेन माइनस एन ए सी एल एंड यू विल गेट सैलिसिल्डिहाइड, इट विल बी सैलिसिल्डिहाइड, राइट? ठीक है, तो फिनोल से आपने बना लिया सैलिसिल्डिहाइड। नेक्स्ट इज फिनोल टू सैलिसिलिक एसिड, सेम यही सिचुएशन, बस आप क्या करते हैं यहां पे CCl4 ले लेते हैं, यहां लग जाएगा CCl3, यहां लग जाएंगे 3OH एंड देयर विल बी रिमूवल ऑफ वाटर। अब आप समझ गए यहां क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड OOH, कार्बन के साथ जब 3OH लगे हैं तो देयर विल बी रिमूवल ऑफ वाटर, ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिड, राइट? तो यहां पे हो गया COOH, तो अब इसका नाम क्या है, दिस इज सैलिसिलिक एसिड, यस इट विल बी सैलिसिलिक एसिड और यहां पे भी क्या हो गया OOH। तो ये थी हमारी दो कन्वर्जन्स, फिनोल से सैलिसिल्डिहाइड, फिनोल से ही सैलिसिलिक एसिड, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट कन्वर्जन, ये रीमर-डीमन रिएक्शन थी, चाहे आप क्लोरोफॉर्म से करें चाहे आप CCl4 से, क्लोरोफॉर्म से करेंगे तो एल्डिहाइड और CCl4 से करेंगे तो एसिड, ठीक है? थर्ड इज इथेनल टू इथेनल और इससे बनेगा थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ओके, ये रहा हमारे पास सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच और मुझे यहां चाहिए ब्यूटेनल, वन टू थ्री फोर, इधर बन गया सी एच ओ और वन टू थ्री, थ्री के ऊपर हाइड्रोक्सी, लेट इट बी बैलेंस्ड,
तो ये बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. यस, दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन. ठीक है, तो इसी तरह का दूसरा मॉलिक्यूल, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट और अल्फा हाइड्रोजन, यहां से एक अल्फा हाइड्रोजन ये पहुंचेगी इसके पास और ये ग्रुप इसके पास. ठीक है, तो व्हाट इट विल गिव इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली, ये चीज इधर, तो ये बना CH3COH, ये H इसके साथ लगा है, इसका AH उधर चला गया, तो ये बना CH2C डबल बॉन्ड OH, बन गया प्रोडक्ट. ठीक है, दिस इज 3-hydroxy-butanol. क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट एसीटोन, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, दिस इज एसीटोन और इससे बनना है 4-methyl-4-hydroxy-pentanone. लेट मी सी, 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, ये रहा पेंटेनोन, 1, 2, 3, 4, 4 के ऊपर OH, अगेन अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बना है, 3 H2 और CH3, अगेन देयर इज 4-methyl, 4 के ऊपर मिथाइल भी है, दिस इज 4-methyl-4-hydroxy-pentanone. ठीक है, ओके, अब देखो बच्चे पेंटेनोन 2, अब ये सेम दो मॉलिक्यूल ये लीजिए. ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे नहीं लिखकर इसको नीचे को लिखा, क्योंकि इस अल्फा हाइड्रोजन और इसके साथ रिएक्शन होगा, यहां से एक हाइड्रोजन पहुंचेगी इसके पास और जो बाकी बचेगा वो इसके पास. तो देख लीजिए यही बनने वाला है, CH3COH, ये CH3 ऑलरेडी नीचे लिखा हुआ है, देन CH2C डबल बॉन्ड OCH3. तो जो प्रोडक्ट यहां पे दिया है सेम वही प्रोडक्ट बन गया. तो दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन. आप प्रोडक्ट लिखिए और देखो, अगर ये चीज बनती है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, इट मींस देयर इज एल्डोल कंडेंसेशन. जरूरी नहीं हर बार सिर्फ एल्डोल कंडेंसेशन होगी, समटाइम्स देयर मे बी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन. तो प्रोडक्ट को ध्यान से देखना है और डाइल्यूट एल्कली जरूर ऐड करनी है. ओके, वेल, इसके बाद है इथेनॉल से बनाना है एसीटोन. ओके, इथेनॉल CH3CH2OH. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज के अंदर हमने पीसीसी के साथ इसकी ऑक्सीडेशन की, इट विल फॉर्म, राइट? ओके, आगे का प्रोसेस हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं. तो यहां पे CH3MgBr हम यूज करने वाले हैं, CH3 इसके पास, MgBr इसके पास, यू विल गेट CH3OMgBr, इधर लगा है H और इधर लगा है CH3. नेक्स्ट हम कर देंगे हाइड्रोलिसिस, इट विल गिव -MgOHBr एंड CH3COH CH CH3, एंड अगेन देयर विल बी ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ PCC, बट यू विल गेट माइनस वाटर और ये बन गया CH3C डबल बॉन्ड OCH3 एसीटोन. इथेनॉल से आप एसीटोन बना चुके हैं और अब हमने स्टार्ट किया इथेनॉल से. ठीक है, नेक्स्ट इज एसिटोफिनोन टू बेंजोइक एसिड. ओके, नंबर 6, ये रहा एसिटोफिनोन और इससे आपको बनाना है बेंजोइक एसिड. ठीक है, क्या कोई ऐसी रिएक्शन है जो इसको डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट कर दे? है, आयनोफॉर्म रिएक्शन. तो ये वाला जो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है 3, ये कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 बाहर. ठीक है, कंप्लीट रिएक्शन नहीं लिख रही हूं मैं, इट विल बी कन्वर्टेड टू आयरोफॉर्म. और ये वाला जो पोर्शन होता है कार्बोनिल कंपाउंड वाला, इट इज कन्वर्टेड इनटू एसिड. तो इट्स अ वन स्टेप रिएक्शन. आप इसको
आसानी से आयरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करवाएंगे एंड यू विल गेट, यहां बन जाएगा COONA, सोडियम सॉल्ट बनता है ना, ठीक है। अब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, मतलब इधर H और इधर Cl, माइनस NaCl और ये बन गया COOH, ठीक है। तो आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हो यहां पे एंड इट विल गिव बेंजोइक एसिड, ठीक है। ये बन गया सोडियम बेंजोइट, ठीक है। जब भी आप किसी ऐसे ग्रुप के अंदर प्रेजेंट हैं, ये वाला ग्रुप आपके पास है, इट विल गिव आयरोफॉर्म टेस्ट, इधर कुछ भी लगा हो, जो अगर यहां पे जो भी आर है, मिथाइल, इथाइल, चाहे फिनाइल, तो इट विल बी कन्वर्टेड टू सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक है। अब ये पहले रिएक्ट करता है आयोडीन के साथ, थ्री आयोडीन, देर विल बी रिमूवल ऑफ थ्री एच आई और ये बन जाता है सी आई थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, जो भी, तो इसे हम बोलेंगे आयोडल, ठीक है। इधर जो भी हमारे पास होगा क्लोरल, सी एल थ्री होता था इट वॉल क्लोरल, तो ये आयोडीन इसको रिप्लेस कर देता है, देन सी आई थ्री सी डबल बॉन्ड ओ आर प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, वेरी सिंपल, इसको सिर्फ एक एच चाहिए और ओ एन ए इधर, ये बन जाता है सी एच आई थ्री प्लस आर सी ओ ओ एन ए, और इसके येलो प्रेसिपिटेट्स बता देते हैं दैट इट इज हैविंग दिस वन ग्रुप, ठीक है। अब देखिए क्लोरोबेंजीन से बनानी है नाइट्रोबेंजीन, दिस इज क्लोरोबेंजीन एंड दिस इज नाइट्रोबेंजीन, तो डायरेक्ट मेरे पास कोई प्रोसेस नहीं है, ठीक है, लेकिन वी कैन मेक यूज ऑफ डाउज प्रोसेस। क्लोरोबेंजीन से बनाएंगे हम फिनोल, फिनोल को ट्रीट करोगे आप जिंक डस्ट के साथ माइनस ZnO और ये बन गई बेंजीन, बेंजीन की कर दीजिए नाइट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यू विल गेट नाइट्रोबेंजीन, यहां से H यहां से OH माइनस हो जाएगा वाटर एंड यू विल गेट नाइट्रोबेंजीन। फिर इसके आगे कुछ भी आपको बनाने को बोला गया हो, नाइट्रोबेंजीन तक हो गया, देन नाइट्रोबेंजीन से आप एनिलीन बना सकते हो, ठीक है। दिस नाइट्रोबेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनिलीन बाय यूजिंग कंप्लीट रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ SnHCl, और इसकी अगर आप डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कर देते हो तो ये बन जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और आपको पता है इट इज द बेस्ट टूल फॉर द प्रेपरेशन ऑफ वेरियस वेरियस कंपाउंड्स, राइट। तो क्लोरोबेंजीन से बोल दिया जाए आपको कुछ और बनाने के लिए, तो दिस इज द प्रोसीजर, आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तक पहुंच सकते हो ऐसे भी, क्योंकि मैंने नाइट्रोबेंजीन तक बताया, क्लोरोबेंजीन से डायरेक्ट एनिलीन भी बन जाती है, ठीक है, अमोनिया के साथ आप इसको रिएक्ट करवाते हो तो क्लोरोबेंजीन से डायरेक्ट एनिलीन भी बन जाती है, ओके। आपको रिएक्ट करवाना है क्लोरोबेंजीन को अमोनिया एंड क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ, राइट। तो इस तरीके से वेरियस कन्वर्शंस को आप कर सकते हैं। अब कुछ पेयर्स देखते हैं, अब देखिए कुछ पेयर्स आते हैं फॉर डिफरेंसेस, और स्पेशली बोला जाता है कि आपको कलर्ड टेस्ट बताना है, ठीक है। तो हम देखते हैं इन पेयर्स को हम किस तरीके से एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहां से स्टार्ट कर देती हूँ, फिर इसको हटाते चलेंगे। बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन, चलो पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये है बेंजल्डिहाइड और ये रहा एसिटोफिनोन। मुझे इन दोनों को ही एक दूसरे से अलग करना है, हाउ आई कैन डू दैट, क्या कोई ऐसी रिएक्शन है जो इसको फॉलो किया जा सकता है इसमें नहीं, इज देयर एनी रिएक्शन विच एसिटोफिनोन कैन अंडरगो बट बेंजल्डिहाइड डू नॉट, आयडोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है, आयडोफॉर्म रिएक्शन। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आपको पता है ये पोर्शन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा,
CHI3, और मैं लास्ट का प्रोडक्ट लिखूंगी इसका सिर्फ, ये बन जाएगा COONA. इसके बन जाएंगे येलो प्रेसिपिटेट्स. लेकिन इसके अंदर जब आप ऐड करेंगे आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट्स. तो सिर्फ ध्यान ऐसा देना है कि कौन सी रिएक्शन और कलर्ड रिएक्शंस के अंदर, कलर टेस्ट के अंदर मोस्टली आयरोफॉर्म टेस्ट होगा. ठीक है, इसी के बेस पे आप बता सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर डिफरेंस आता है. यू कैन मेक यूज ऑफ सिल्वर मिरर टेस्ट. ठीक है, यू कैन मेक यूज ऑफ एथिलीन सॉल्यूशन टेस्ट. अगर एलिफेटिक आपके पास है कंपाउंड्स एल्डिहाइड और कीटोन, यू कैन मेक यूज ऑफ एथिलीन सॉल्यूशन टेस्ट. ठीक है, ये हो गया. ओके, अब देखो यहां पे आप सिल्वर मिरर टेस्ट भी ले सकते हो. ठीक है, इसके बाद फिनोल एंड बेंजोइक एसिड. ओके, ये रहा फिनोल और ये रहा बेंजोइक एसिड. अच्छा, फिनोल्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है FeCl3 टेस्ट. तो जो फिनोल्स हैं दे गिव वॉयलेट कलर विथ FeCl3, जबकि एसिड्स दे डू नॉट गिव वॉयलेट कलर विथ एसिड. ठीक है, दूसरा रिएक्शन विथ सोडियम बाइकार्बोनेट. फिनोल्स के अंदर नो रिएक्शन, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड्स दे रिएक्ट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट, यस, एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड विथ इफर्वेसेंस साउंड के साथ. ठीक है, तो ये रहा हमारे पास बेंजोइक एसिड, इसमें ऐड किया सोडियम बाइकार्बोनेट. व्हाट विल हैपन, यहां से निकला एच पॉजिटिव बाहर और ये बन गया सोडियम बेंजोइट, सोडियम का सॉल्ट बन गया. ठीक है, एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर, तो ये निकला साथ में वाटर, लेकिन यहां से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हुई जिसकी साउंड आती है और हमें पता चल जाता है दैट इट इज हैविंग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. तो ये दो टेस्ट हमने बता दिए, फिनोल कलर टेस्ट के साथ और कार्बोक्सिलिक एसिड विद एफर्वेसेंस. ठीक है, ये भी हो गया. अब नेक्स्ट पेयर देखते हैं. इस पेयर के अंदर वी आर हैविंग एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन. लेट्स सी, ये रहा एसिटोफिनोन, ये रहा बेंजोफिनोन. ओके, वेल, कैसे इनको सेपरेट करें? यस, दिस कैन गिव आयरोफॉर्म टेस्ट. ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे आयरोफॉर्म टेस्ट. तो जब इसके अंदर हम आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, व्हाट इट विल गिव, ये देगा हमें सी डबल बॉन्ड ओ ओ एन ए प्लस, इस ग्रुप से बन जाएगा CHI3 विच विल अपियर एज येलो प्रेसिपिटेट्स. इसके अंदर जब आप ऐड करोगे आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, देयर विल बी नो रिएक्शन. हो गया कलर टेस्ट दोनों की सेपरेशन का. ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट. इसके अंदर देखिए एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन. ओके, CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3. इसके अंदर भी ये ग्रुप है, इसके अंदर भी ये ग्रुप है, तो ये दोनों ही आयरोफॉर्म टेस्ट तो देंगे, लेकिन 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 क्योंकि ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, हम यहां पे फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट करेंगे. वी विल मेक यूज ऑफ फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट. मिक्स कीजिए फैलिंग ए प्लस फैलिंग बी और इसके अंदर ऐड कर देंगे जो भी आपको यहाँ पे कंपाउंड दिया गया है. यहाँ पे हम ऐड करेंगे एसिटाल्डिहाइड, फिर उसको हीट करते हैं, बॉइल करते हैं एंड ऑरेंज प्रेसिपिटेट्स ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड दे अपियर. ठीक है, और वहां से पता चलता है दैट इट इज हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप. तो आपको यहां पे रिएक्शन लिखना पड़ेगा CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव आयन्स, और क्योंकि बेसिक मीडियम रहेगा इसके अंदर 5 OH नेगेटिव आयन्स विल बी यूज्ड एंड यू विल गेट दिस एसिड RCOO नेगेटिव प्लस CU2O क्यूप्रस ऑक्साइड
और इसी के हमारे पास ऑरेंज रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स आते हैं, ठीक है, प्लस साथ में वाटर मॉलिक्यूल, क्लियर। और ये वाला, इसके अंदर क्योंकि ये कीटोन है, कीटोन्स डू नॉट गिव फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, राइट। तो इस तरीके से जस्ट इसको देखो कि दोनों के बीच में सिमिलैरिटी या डिफरेंस क्या है। ये एल्डिहाइड या कीटोन, तो कोई ना कोई एक टेस्ट अपने माइंड में रखिए जो एल्डिहाइड्स देते हैं, कीटोन्स नहीं देते, ठीक है। यहां पे आप सिल्वर मिरर टेस्ट का भी मेंशन कर सकते हो, एल्डिहाइड सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, इट विल गिव सिल्वर मिरर टेस्ट, कीटोन नहीं देगा। तो आप दो टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास है एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन, ओके। तो ये रहा एनिलीन, ठीक है, और ये रहा एन के साथ लगा है मिथाइल ग्रुप, तो एक एच रह गया, और इसके साथ लगा है फिनाइल ग्रुप, दिस इज एन मिथाइल एनिलीन, ओके। नाउ दिस इज प्राइमरी एमीन एंड दिस इज सेकेंडरी एमीन, क्योंकि ये नाइट्रोजन दो तरफ कार्बन से जुड़ा है, ये नाइट्रोजन एक ही से जुड़ा है, तो प्राइमरी एमीन्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, दैट इज कार्बाइल एमीन रिएक्शन, कार्बाइल एमीन रिएक्शन, ठीक है। यू विल मेक यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस 3KOH, ठीक है, दे विल रिएक्ट और ये बन जाएगा कार्बाइल एमीन प्लस 3KCl प्लस H2O, राइट। तो इसकी वजह से आती है टिपिकल सी बैड स्मेल, जिससे पता चल जाता है दैट इट इज एनिलीन, मींस प्राइमरी एमीन, लेकिन इसके अंदर जब आप क्लोरोफॉर्म CHCl3 और KOH ऐड करोगे, देयर विल बी नो रिएक्शन, ठीक है। एक तो ये हो गया, सेकेंड टेस्ट देखिए, एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन, ठीक है। अब देखिए, अगर आप नाइट्रस एसिड टेस्ट करते हो, नो दीज आर एरोमेटिक, बोथ आर एरोमेटिक, ये रही प्राइमरी और ये रही सेकेंडरी, और आपको पता है नाइट्रस एसिड के साथ दोनों ही अलग अलग टेस्ट देंगे। अगर हम प्राइमरी एमीन के अंदर ऐड करते हैं नाइट्रस एसिड, ये कहां से आया, आप ऐड करते हो NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, राइट, एंड आइस कोल्ड कंडीशंस, बिल्कुल सही, दिस इज डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन एंड वी विल गेट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। और अगर हम इसके अंदर नाइट्रस एसिड डालते हैं, नाइट्रोसो कंपाउंड बन जाता है, देखना मैं इसको ऐसे टिल्ट करके बना लेती हूं सो दैट आपको आसानी से समझ में आ जाए, दिस इज NH, N के साथ लगा है एक H और इसके साथ लगा है मिथाइल ग्रुप, राइट, ठीक, दिस इज, ये दोनों ही एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है, इसको मैं इसके बराबर ले रही हूं, ऐसे बना दिया मैंने। अब इसमें मैंने ऐड किया नाइट्रस एसिड, किस तरीके से ऐड होगा, आपको पता है दिस इज नाइट्रस एसिड, यहां पे एच को हटाना हो तो हम ओ नहीं लगा सकते, इस ग्रुप को लगाना पड़ेगा, तो मैं इसको लिखूंगी ऐसे OH N डबल बॉन्ड O, तो आपको बिल्कुल याद आ रहा होगा किस तरीके से ये प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्ट करता है, नाइट्रस एसिड सेकेंडरी के साथ करता है। अब सेकेंडरी एमीन चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक, सेम कंपाउंड बनता है, ठीक है, तो ये बन गया N N डबल बॉन्ड O, सो दिस इज नाइट्रोसो एमीन, एन मिथाइल, ठीक है, एन मिथाइल एनिलीन, और अब यहां पे एन के ऊपर एन नाइट्रोसो एन मिथाइल, पहले एम एन मिथाइल एन नाइट्रोसो एनिलीन,
ठीक है, तो मैं इसको सिंपल लिख रही हूं नाइट्रोसो एमीन. ठीक है, अब दिस इज येलो ऑयली लिक्विड, राइट, येलो ऑयली लिक्विड. तो दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स के अंदर एकदम से डिफरेंशिएट हो गया कि इसके अंदर येलो ऑयली सा लिक्विड बन गया है और इधर डाइएसोटाइजेशन रिएक्शन हुई है और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया है. ठीक है, ओके. अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड एंड फिनोल. इट इज वॉर्म्ड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ H2SO4 and phenol. A crystal of phenol is added. It turns green. Yellow color turns green. और green color के अंदर जब हम इसको dilute करते हैं, diluted with water, green color changes to red. And if it is diluted with sodium hydroxide, आप इसमें base डाल देते हो, then greenish color जो है it changes to violet, blue or violet. तो इस तरीके से this is a color test. और color test के साथ आप बता सकते हो कि इसके अंदर primary amine कौन सी है और secondary amine कौन सी है. और इस particular reaction को बोलते हैं Lieberman's nitroso amine test. नाइट्रोसो एमीन टेस्ट. तो इट्स अ कलर टेस्ट. कलर टेस्ट को देखते ही पता चल जाता है दैट हाउ इट इज बीइंग डिफरेंशिएटेड फ्रॉम एनिलीन. ठीक है, एक ये रिएक्शन हो गई. एक और रिएक्शन है हमारे पास, तीसरे टाइप की रिएक्शन, वो भी देखिए. एनिलीन मतलब प्राइमरी एमीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट देती है. यस, दैट इज डाई टेस्ट. ठीक है, थर्ड टेस्ट इज डाई टेस्ट. ठीक, एनिलीन इट विल गिव डाई व्हाइल रिएक्टिंग विद, पहले तो हम इसको नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाएंगे. एंड आफ्टर दैट नाइट्रस एसिड के बाद हम इसके अंदर आप फिनोल ऐड कर दीजिए, आप अल्फा नेप्थॉल ऐड कर दीजिए, इट विल गिव अ डाई. ठीक है, सो primary aromatic amines they give dye test, जबकि secondary वाले जो है वो dye test नहीं देते. इसके अंदर we will add sodium nitrite and HCl और इनके react करने से HNO2 ice cold conditions. ठीक है, आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों में से एक ही चीज लिखो. आप sodium nitrite and HCl डाला, ice cold conditions मतलब 273 Kelvin temperature, तो ये बन जाती है aniline से बन जाती है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, राइट. देन इसके अंदर ऐड किया जाता है अल्फा नेप्थॉल एंड इट विल गिव ऑरेंज रेड डाई, जबकि इधर क्या होगा, नो रिएक्शन, सिर्फ प्राइमरी एमीन्स डाई टेस्ट देती है. तो आपने देखा हमने तीन रिएक्शंस कर दी जिससे आप इन दोनों पेयर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हो. नेक्स्ट देखिए, एनिलीन एंड बेंजाइलमीन. ओके, ये रही एनिलीन और ये रही बेंजाइल एमीन, राइट. डिफरेंसेस, डाई टेस्ट, इसके अंदर डाई टेस्ट हम कैसे परफॉर्म करेंगे, एट NaNO2 एंड HCl2 given sample at 273 Kelvin temperature and this was step 1, then add few drops of alpha nepthol. Result kya hoga? Orange red dye. Phenol ke saath bhi dye banati hai ye. Pehla hydroxy azobenzene. Theek hai? आप यहां पे अल्फा नेप्थॉल डालिए या फिनोल भी ऐड कर सकते हो, दोनों ही केसेस में
डाइटेस्ट होगा, मतलब जिसको कपलिंग रिएक्शन बोलते हो. कपलिंग रिएक्शन इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिलीन, राइट. जबकि इधर नो रिएक्शन, हियर विल बी नो रिएक्शन, क्योंकि दिस इज साइड चेन. प्राइमरी अमीन है बट दिस इज अटैच्ड टू साइड चेन, इट इज साइड चेन डेरिवेटिव, राइट. नेक्स्ट, इथाइलामीन एंड एनिलीन. ओके, अगेन ये रही एनिलीन और CH2NH2. नाउ दिस इज इथाइल एमीन. एनिलीन एंड इथाइल एमीन. डाइटेस्ट, ठीक है, डाइटेस्ट करेंगे. एनिलीन डाइटेस्ट देगी, इथाइल एमीन डाइटेस्ट नहीं देगी. दोनों ही प्राइमरी है, कार्बाइल एमीन टेस्ट दोनों ही देंगे, ठीक है. एक तो ये रिएक्शन हो गई, इससे आप इनको डिफरेंशिएट करोगे. जब ये वाला सिस्टम आ जाए हमारे पास कि एक एलिफेटिक है और एक एरोमेटिक है, तो देखिए इसमें भी डाला हमने. अब कौन सा टेस्ट करने वाले हैं हम? नाइट्रस एसिड टेस्ट, HNO2 टेस्ट. तो इधर भी हमने नाइट्रस एसिड डाला, आया कहां से? NaNO2 प्लस HCl. और इधर भी NaNO2 प्लस HCl. ओके, तो यहां में क्या बन जाएगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. ओके, एरोमेटिक एमीन्स दे गिव बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, लेकिन यहां पे इथाइल एमीन के साथ नाइट्रस एसिड किस तरीके से ऐड होता है, देखिए CH3 CH2 NH2. N के नीचे N, डबल बॉन्ड O, OH, ठीक है. तो यहां पे बन जाएगा ये CH3 CH2 OH प्लस N2 प्लस H2O, और नाइट्रोजन एफर्वेसेंस के साथ बाहर आएगी. तो पता चल जाता है दैट दिस इज एलिफेटिक एमीन. नाइट्रोजन की जो इवोल्यूशन है, लाइक कोल्ड ड्रिंक के अंदर जैसे CO2 निकलती है ना एफर्वेसेंस विद साउंड एंड फिज की साउंड के साथ, वैसे ही नाइट्रोजन भी इवॉल्व होती है. तो पता चल जाता है कि एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों को हम डिफरेंस कर लेंगे, ठीक है. तो इस तरीके से बच्चे थोड़ा सा फोकस अगर आप करते हो एरोमेटिक और एलिफेटिक, तो उसके लिए आप HNO2 टेस्ट ले लीजिए. लेकिन अगर हमारे पास एरोमेटिक प्राइमरी और सेकेंडरी है तो डाई टेस्ट को ले लीजिए, ठीक है. अब प्राइमरी एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल की बात करें, दिस इज प्राइमरी एल्कोहल एंड दिस इज सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक. तो लुकास टेस्ट, ठीक है, लुकास टेस्ट के साथ क्या होगा? यहां पे क्लोरीन लग जाएगी, क्लोरो ग्रुप लग जाएगा CH3, जिंक की प्रेजेंस में HCl ऐड करते हैं, HCl इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, ठीक है. तो व्हाट यू विल गेट? CH2Cl. इधर भी CH3CHClCH3. टर्बिडिटी आती है, जैसे पानी में डेटॉल डालने पे आती है. तो यहां पे आफ्टर सम टाइम, सेकेंडरी है ना, आफ्टर सम टाइम टर्बिडिटी अपियर्स. लेकिन प्राइमरी के अंदर टर्बिडिटी जितना वेट करना है कर लीजिए, नहीं आएगी. टर्बिडिटी विल अपियर्स अपॉन हीटिंग. आप उसको हीट करेंगे तब भी आएगी, अपॉन हीटिंग, राइट. तो इस तरीके से आप इन दो पेयर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. देन अगर दोनों ही हमारे पास CH3 प्राइमरी एल्कोहल ही हो, ठीक है, ये रहा इथेनल एंड प्रोपेनल, दोनों को डिफरेंशिएट करो. CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, कैसे डिफरेंशिएट करें ये ग्रुप? इट विल गिव आयरोफॉर्म टेस्ट. यहां पे आयरोफॉर्म टेस्ट नहीं होगा. आप इसमें ऐड करोगे आयोडीन सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये ग्रुप बन जाता है CHI3
प्लस कितने कार्बन है, वन कार्बन, तो एक कार्बन का सोडियम सॉल्ट, एक कार्बन के एसिड का सोडियम सॉल्ट, और ये बन जाएंगे येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है, सेम इसी तरीके से इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, ठीक, तो CH3 OH CH2, और इधर CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है। इसके अंदर देखो आ गया ना ये वाला ग्रुप CH3 C के साथ OH, तो इट विल गिव आयरोफॉर्म टेस्ट। अल्टीमेटली ये वाला ग्रुप बना देगा CHI3, और इधर एक कार्बन बचा HCOONA, इधर रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा, अब देखो एक कीटोन का एग्जांपल देखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 CH3, दिस इज पेंटेनोन 2, एंड ऑन अनदर साइड आई एम हैविंग पेंटेनोन 3। दोनों को डिफरेंशिएट कीजिए। यस, अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर आपको ये वाला ग्रुप दिखाई देता है मिथाइल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के साथ अल्फा पोजीशन के ऊपर अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इट विल गिव आयरोफॉर्म टेस्ट, राइट। तो यहां पे आप देख लीजिए किसके अंदर प्रेजेंट है, इसमें डाला आपने आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें आपने डाला आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, हियर विल बी नो रिएक्शन, लेकिन यहां पे अल्फा मिथाइल ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है, तो यहां पे क्या बन जाएगा, ये ग्रुप बना देगा CHI3 प्लस ये 1 2 3 4, फोर कार्बन का एसिड CH3 CH2 CH2 COONA। नाउ दीज आर येलो प्रेसिपिटेट्स ऑफ आयरोफॉर्म। तो कोई भी सेट आप यूज कर सकते हो फॉर द डिफरेंसिएशन। अब यहां पे कलर टेस्ट हो गया, राइट। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसको कंपाइल करती हूं, ठीक है। बेसिक पेयर्स हमारे पास क्या क्या है, लेट्स सी दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डिफरेंस आ सकता है एल्कोहल एंड फिनोल के बीच में। तो देखो बच्चे, एल्कोहल और फिनोल को डिफरेंशिएट करना है तो आप FeCl3 टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो, राइट। FeCl3 टेस्ट फिनोल देता है, एल्कोहल नहीं देता, आसानी से डिफरेंशिएट हो जाएगा, ओके। सेकेंड पेयर मैंने ले लिया टू डिफरेंट एल्कोहल्स, दो अलग अलग एल्कोहल्स। तो अब उस केस में आपको यह देखना है अगर किसी एल्कोहल के अंदर ये वाला ग्रुप है, इट विल गिव आयरोफॉर्म टेस्ट। एग्जांपल्स मैंने पीछे बताए हैं आपको, अगर ये ग्रुप आ जाता है इट विल गिव आयरोफॉर्म टेस्ट, ओके। फिर आ गया हमारे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हमारे पास बहुत से ऐसे टेस्ट हैं जो एल्डिहाइड देते हैं कीटोन नहीं देते, जैसे फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, एल्डिहाइड देते हैं कीटोन नहीं, फिर सिल्वर मिरर टेस्ट, एल्डिहाइड देते हैं कीटोन नहीं देते, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, एल्डिहाइड देते हैं कीटोन नहीं देते। हो गया ये भी डिफरेंस, ओके। अब मेरे पास दो तरह के एल्डिहाइड्स आ गए, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो अब आपको क्या देखना है, उस एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है, देखो यहां एच लग जाएगा तो एल्डिहाइड, यहां एल्काइल ग्रुप लग जाएगा तो कीटोन, किसके भी अंदर ये वाला ग्रुप अगर प्रेजेंट है, इट विल गिव आयरोफॉर्म टेस्ट, राइट। ये हो गया दो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बीच में। अच्छा, मान लीजिए हमारे पास दे दिया गया एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इन दोनों को हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो आप कर देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट,
एफर्वेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी गिवन बाय कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जबकि अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देंगे. सिमिलरली फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स अगेन मेक यूज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, ये देगा ये नहीं देगा. और इसके साथ एक और FeCl3 टेस्ट, वो फिनोल देगा और कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देगा. तो बस यही सिंपल सिंपल दो चार बातों का आपने ध्यान रखना है. जहां पे भी एमीन्स की बात आती है, यस एमीन्स, देखो जिधर भी आपको एनिलीन का कंपैरिजन किसी के भी साथ आ जाए, ठीक है, तो एनिलीन डाई टेस्ट देती है भाई, और कोई नहीं देगा, एनिलीन डाई टेस्ट देगी, ठीक है. जिस वक्त एरोमेटिक और एलिफेटिक की बात आ जाए, प्राइमरी प्राइमरी, तो इधर नाइट्रस एसिड टेस्ट कर दीजिए. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना, नाइट्रस एसिड टेस्ट कर दीजिए, इधर नाइट्रोजन इवॉल्व होगी और इधर बन जाता है डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है. और अगर आपको प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस करना है, इफ यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक, देन अगेन नाइट्रस एसिड टेस्ट इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल, इट इज द बेस्ट टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, क्योंकि सेकेंडरी वाले नाइट्रोसो एमीन बना लेते हैं और वो येलो ऑयली लिक्विड अलग अलग कलर्स देता है, चाहे आप उसको पानी से डाइल्यूट करें या फिर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. तो ऑन द बेसिस ऑफ कलर आप इनको बड़ी आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है. तो डोंट गेट कंफ्यूज, लेकिन बिल्कुल ठंडे दिमाग से काम लीजिए, कुछ भी टफ नहीं होता, ठीक है. और कभी जल्दी जल्दी लिखते, मेरे से कुछ गलत भी लिखा जाता है, उस चीज को इग्नोर करें. और हाँ, आपकी कोई क्वेरी है तो डू राइट इन कमेंट सेक्शन. सो मिलते हैं एज पर योर डिमांड. आपकी कोई क्वेरी होगी, मैं डेफिनेटली वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.